बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया, ये 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 बाजी की हंडिया। ला 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 ला, फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। अरे कहाँ मर गए ये कमबख्त घर के सारे नौकर। अरे जुम्मन कहाँ गया भाई? अरे ना मुराद, इतने दिन से कह रही हूँ कि मेरा पुराना हुक्का लेके आ जा, ठीक करा दे। अरे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे बीबी, वो जुम्मन को कहा था कि मेरा पुराना हुक्का ठीक करा के ला दे, लेकिन क्या मजाल के उनके कान पे कोई जू चली हो। अच्छा देखो, ये नमूना झाड़ू पेड़ा ये हुक्का उठा के लाया है, ना ये सुलगता है ना ये जलता है। आपको अंदाजा है बाजी कि हुक्का पीना सेहत के लिए कितना खराब होता है? टोबैको होता है, तंबाकू होता है उसमें। मैं तो जुम्मन से कहूंगी कि आपका पुराना हुक्का फेंक दे, कोई जरूरत नहीं है पीने की। अब तो मुझे ना समझाओ। हाँ जरूर। अच्छा सुनो, अभी हुक्के की बातें तो हो गई, ये बताओ कि तुमने अब तक अपनी किताब में कितनी सारी खाना पकाने की तरकीबें लिख ली? वो तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आज आपने हुलिया क्या बना रखा है, मतलब पीला जोड़ा। किसी के मायू से आ रही है क्या? खुद मायू बैठने का इरादा है? अरे वही, क्या मुझे हक नहीं कि मैं पीला जोड़ा पहन लूं? मैं भी मायू बैठ सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर, अभी तो खूब नाना जान की बातें हो रही थी। अच्छा फिलहाल आप मुझसे क्या पूछ रही थी? मैं ये कह रही थी कि तुमने अब तक अपनी किताब में कौन कौन सी तरकीबें शामिल की हैं। बाजी कुल मिलाकर 6 तरह की कुजींस हुई हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, मतलब झलकियाँ हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं भाई? जरा दोहराओ। हम लोग ने जो करी है वो है राजस्थानी, लखनऊई, मिडल ईस्टर्न, हैदराबादी, और सलमा आपा की जो वो कबाब की तरकीबें थी ना, उसमें से सिर्फ अभी तक 8 या 9 ही तो सीखी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा अब ये बताओ कि अब कौन कौन सी बाकी रह गई हैं? मैं सोच रही थी बाजी कि अपनी लिस्ट में दिल्ली और भोपाल को ऐड करना चाह रही थी। हाँ हाँ भाई, दिल्ली की तो तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। अरे भाई मुझसे बेहतर दिल्ली का खाना और कौन बना सकता है? अरे भाई दिल्ली के अच्छे अच्छे खानसामा मेरे आगे पानी भरते हैं, हर रोज मुझे फोन करके कहते हैं आए बाजी हमको कोई से खाने की तरकीब बता दीजिए। चलिए इसमें तो कोई शक नहीं है बाजी, बाजी आप सच में बहुत ही बेहतरीन खाना बनाती हैं। तो चलिए तय हुआ, आप मुझे दिल्ली का खाना सिखा रही हैं, राइट? ठीक ठीक। लेकिन अब भोपाल का क्या करें हम? अरे बीबी अब दिल थाम के बैठ जाओ। क्यों? जिस शख्सियत को मैं यहाँ बुला रही हूँ, अगर उसका नाम सुन लोगी तो तुम कुर्सी से उछल पड़ोगी। रियली? बाजी कौन आ रहा है? अब ऐसे नहीं बताऊंगी मैं, पहले पहले बूझो तो जाने। अच्छा चलिए बताइए, बूझिए। भाई ऐसा है कि वो एक नहायत ही खूबसूरत फिल्मी अदाकारा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बाजी, हर फिल्मी अदाकारा खूबसूरत होती है। अरे भाई उनकी सास भी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। नहीं समझ आ रहा। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा भाई उनके ससुर भी क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी थे। बाजी आपको बताना तो बताइए, मुझे बहुत काम है। अच्छा चलो और सुन लो, उनके मियाँ भी फिल्मों में काम करते हैं और उन्हें छोटे नवाब कहा जाता है। अल्लाह, करीना कपूर?
हाँ करीना बाजी, करीना कपूर आपका मिली। अरे भाई मिल क्या गई, मैं पिछले दिनों भोपाल एक शादी में गई थी जी, वहाँ वो भी अपनी सास शर्मिला सेगोर के साथ आई हुई थी। अरे भाई बाकायदा टिशू का भोपाली लिबास पहन रखा था और वो इतना ही खूबसूरत लग रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस मैंने उनसे पूछा, भाई करीना ये बताओ कि तुमने ये भोपाली लिबास तो पहन लिया लेकिन क्या तुमने भोपाली खाना भी बनाना सीखा? तो क्या कहा? तो भाई झट उनकी सास बोली, अरे बाजी करीना तो बेहतरीन भोपाली खाना बनाती हैं, और बनाती क्या है, तो माहिर है खाना बनाने में भोपाल का। बस फिर क्या था, मैंने फौरन करीना को यहाँ आने की दावत दे दी और अब वो आती होंगी। हाय भाजी मुझे यकीन नहीं हो रहा, करीना कपूर मतलब खाना सिखाएंगी बाजी की हंडिया में? इसी हंडिया में। वैसे बाजी ना आप बहुत अच्छी हैं। अब समहा मुझे ये लग रहा है कि बाजी की हंडिया अब बेस्ट सेलर होने वाली है। अरे बेटा जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है कि तुम्हारी तो तुम्हारी एक हंडिया क्या, एक किताब क्या, सारी चीजों के वरनियारे हो जाएंगे। वैसे तभी मैं कहूँ कि आज पीला जोड़ा गरारा बंठन के बैठी है, मतलब इम्प्रेशन जमाने का पूरा इरादा है आज। अरे भाई अब जब करीना आ रही थी तो हमने सोचा कि हम भी जरा थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन दे दे उनको, और ये पीले कपड़े पहन के बैठ गए। अच्छा बाजी मैं ये सोच रही थी कि जब वो आएंगी, मतलब एक चीज बताइए कि मैं मतलब ठीक लग रही हूँ ना? तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सच पूछो तो तुम करीना से ज्यादा अच्छी लग रही हो। आप तो ऐसी बोलती है। पर बाजी करीना कपूर आ रही हैं तो मतलब भोपाल के सारे खाने, मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ, कहीं उनको ये ना लगे कि वो मतलब मैं ये सोच रही थी कि हेलो देखो किसका फोन है। जी जी करीना को आ रही है। जी जी क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? आपकी करीना कपूर की सेक्रेटरी का फोन था। क्या कह रहे थे, आ रही है ना? जी नहीं नहीं आ रही हैं, उनकी शूटिंग का बुलावा आ गया, उनको जाना पड़ा, वो यहाँ नहीं आ रही हैं। तो वाला खुदा गारत करे इन फिल्म एक्टरों को। अरे ये लोग तो किसी भरोसे के काबिल ही नहीं, इनकी बात का कभी कोई एतबार ना करे। झाड़ू मारो भोपाल के खानों को और इन तमाम चीजों को। झाड़ू वाड़ू तो ठीक है पर अब भोपाल के खाने का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम दिल्ली का खाना बनाएंगे, अब हम हैं तो सही यहाँ बैठे हुए। आप बनाएंगी और क्या? नहीं आप सिखाएंगी? अरे बीबी तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें बेहतरीन दिल्ली का मुगलई खाना बनाना सिखाऊंगी आज तुमको, तुम देखो। वैसे बताए बाजी एक बात तो है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। क्यों नहीं भाई क्यों नहीं, आखिर इतनी उम्र भी तो गुजरी हमारी है। तो ये तय रहा कि आज आप मुझे दिल्ली का खाना सिखा रही हैं? बिल्कुल। तो उसमें आप क्या क्या सिखाएंगे आज? अरे भाई हम तुमको सिखाएंगे एक तो नहारी। ओके। बहुत चटपटी खूब बढ़िया किस्म की, और तुम्हें सिखाएंगे जर्दा। जर्दा माय फेवरेट। चलिए ठीक है भाजी, चलिए चलिए अभी चलिए, नहीं तो कहीं आपका दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए उठिए। अरे वाह चलो आइए। आए हाय अरे बेटा पैर जम गए बिल्कुल। आइए आइए अपनी हंडिया की तरफ। आए चलो चलो। आपका बावर्ची खाना आपका इंतजार कर रहा है। देखो मैंने कैसा सजा के रखा है तुम्हारे लिए, देखा तुमने? बाजी वैसे मुझे लग रहा है कि क्योंकि करीना कपूर आने वाली थी उस एक्साइटमेंट में आपने मसाले तैयार करके रखे। अरे बेटा मैंने लगाया तो था लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐन वक्त पर मुझे धोखा दे दे, तो मैंने ये नहारी के मसाले रख लिए। हाँ, जो मैं अब तुमको बनाने सिखाऊंगी। अच्छा बाजी आपने कहा हम निहारी सीख रहे हैं राइट, तो निहारी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? भाई ऐसा है कि तुमने ये नहार लफ्ज सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहार मुंह दवा खा लिए, नहार मुंह दवा खा लो, नहार मुंह ये चीज खा लो, एम्प्टी स्टमक। हाँ यानी कि
अर्ली मॉर्निंग जिसे तुम अंग्रेजी में कहोगे सुबह ही सुबह, तो नहारी जो थी पुराने जमाने में खासतौर से मुगलिया जमाने में वो सुबह ही सुबह का नाश्ता होता था। आजकल तो लोग रात को दोपहर को जब दिल चाहे पका के खा लेते हैं, लेकिन पहले रात भर ये नहारी एक देग में बनती थी। फिर सुबह को लोग फजर की नमाज पढ़ के जब अपने घर जा रहे होते थे तो कुछ लोग तो वहीं बैठ के खा लिया करते थे, कुछ खरीद के अपने घर ले जाए खा लिया करते थे। तो इसलिए इसका नाम नहारी पड़ा क्योंकि ये सुबह ही सुबह पकती थी और खाई जाती थी। चलिए ये जरूर मैं अपनी किताब में लिखूंगी। हाँ, अब तुम इसके अज्जाए तरकीब और ये क्या क्या है ये अपनी इंग्रेडिएंट्स अपनी किताब में नोट कर लो। परफेक्ट। चलो तो यहाँ मैं अपनी गद्दी संभालती हूँ। हाँ, आप चलो बैठो, मुझे इंग्रेडिएंट्स बताइए। ये हमने आधा किलो गोश्त धो करके पहले से रखा हुआ है। ओके। और ये आधा कप तेल हम इसमें से लेंगे जो हम इसके पकाने में इस्तेमाल करेंगे। ये दो बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, एक लहसुन बारीक पिसा हुआ, दो इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक पिसा हुआ, लौंग आप ले सकती हैं, पांच छह हरी इलायची आप डाल सकती हैं इसमें, एक बड़ा टमाटर, तीन बड़े चमचे दही, एक चमचा बड़ा भुना आटा, दो बड़े चमचे हरी सौंफ, आधा छोटा चमचा जीरा, दो इंच सूखी अदरक, जायफल, जावित्री के छोटे टुकड़े और दो टुकड़े दालचीनी। अच्छा, दो पत्ते तेजपात और दो या तीन मोटी इलायची और थोड़ी सी एक चाय का चम्मच लाल मिर्च और फिर जितना नमक आप खाना चाहें पसंद हो वो थोड़ा नमक। ओके। अब आपने देखा कि इधर मैंने ये कुछ ये हरे मसाले और ये भुनी हुई लाल तली हुई प्याज सजाने के लिए रखी है। जब हमारी नहारी तैयार हो जाएगी तो हम उसको ऊपर से ये डाल के सजाएंगे। चलो, अच्छा तुमने ये नहीं पूछा कि ये पिसा हुआ मसाला कैसा है। अच्छा बाजी, ये पिसा हुआ मसाला कैसा है? ये ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो मैं मिक्सी में नहीं पीसती थी तो मैंने जुम्मन की बीवी से कहा कि अरे लड़की ज़रा ये मसाला मेरा सिल पे पीस दे, तो उसने ये मसाला पीस दिया। तो अब ये तो बहुत है, मैं इसमें से ये चमचे तीन या चार इस्तेमाल करूँगी। तीन या चार टेबलस्पून ओके। ठीक है, अच्छा अब ज़रा यहाँ आओ मेरी मदद करो जरा। ये जरूर बताइए। ये जरा कुकर, अरे मैं उठाती हूँ बाजी, रुकिए। लो खोलो जरा इसको और इसमें ये तेल डालो। आग पहले तो इसमें आग करो, ये लो। अब आप बताती जाइए तो किस तरह से मेजर करके डालो, अंदाजे से डालो। हाँ, अंदाजे से मैं देख रही हूँ। डालो डालो। हाँ बस बस, हो गया हो गया। तो ये हो गया आपका आधा कप तेल, तेल हो गया। अब हम इसमें ये कटी प्याज, अब ये इसका ख्याल रखो कि ये प्याज ऐसी बारीक बारीक कटी हुई होनी चाहिए, वो अमूमन लोग छोटी छोटी काट देते हैं, वो नहीं चलेगी इसमें। ओके। तो ये अब हमने इसमें डाल दी। ठीक है, अच्छा अब हमको चमचा दो जरा। ये वाला नहीं, नहीं ये गोल, ये हाँ ये, इसमें से शोरबा निकालने में आसानी रहती। अब हाँ। अब चूंकि प्याज को हमें पूरा ब्राउन करना है, लाल करना है, तो हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी तो तैयार नहीं होगी, लेकिन थोड़ा गर्म होने गर्म होगा ये होगा। अच्छा भाई देखो, अब ये प्याज लाल हो गई, देखो कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आया है। ठीक है, अब हम इसमें जो हमने पहले गोश्त डालेंगे। तो ये आपने मुझे बताया था बाजी आधा केजी ना। हाँ, ये गोश्त डालेंगे और इसके बाद वो चलाओ इसको जरा। अच्छा, और अब इसमें हम ये लहसुन डालेंगे, इसमें हम ये लहसुन डालेंगे। ठीक है? चलाओ। और ये पिसी हुई अदरक, ये इतनी बहुत है। और ये
जैसे मैंने कहा था थोड़ी लौंग है, ये लौंग डाल दें। ठीक है। अच्छा, फिर अब इलायची डाल देंगे। ये भी आपने शायद 5-6 कही थी ना। हाँ, छोटी इलायची। हाँ, ये भी डाल देंगे। ठीक है। हाँ, जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये कटे हुए टमाटर डाल दिए। ठीक है, चलो इसे बचा लेते हैं। और साथ के साथ होता है कि बहुत से लोग सिर्फ दही डालते हैं, लेकिन मैं दही और टमाटर दोनों डालती हूँ। ये देखो, अब तो आपकी जो ये गैस है ना, ये आपके हुक्के की तरह बुड़बुड़ा रही है। चलाती रहो। चलो चला। अब हमने ये जो हमने मसाला सब पिसवा लिया था, अब हम इसमें से जैसे मैंने कहा था कि ये दो, एक दो और ये तीन, क्योंकि नहारी जब तक चटपटी ना हो ना, मजा नहीं आता, बिल्कुल बेकार हो जाती है। ये डाल दिया हमने, और साथ में थोड़ा सा रंग देने के लिए थोड़ी सी ये लाल मिर्च। ठीक है। अल्लाह, ये तो बहुत चटपटी बनने वाली है। अच्छा, अब ये नमक, अब थोड़ा सा ये नमक, ये भी आपके हिसाब से ना। हाँ, अब हम ये भुन गया, ये देख लो कि जो दही हमने डाला था वो उसका दही। अच्छा, दही भी तो पानी छोड़ता है। हाँ, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और, देखो ये घी छूटने लगा ना। हाँ, देख रही हो ना इसमें। हाँ, आ रहा। अब हम इसमें ये पूरा पानी डाल देंगे, कम से कम ये गोश्त इसमें पूरा तैर जाए। ओके। और अब हम इसको सीटी लगाने के लिए कम से कम हम इसमें 15 मिनट के लिए इसमें सीटी देंगे। ठीक है, देखो कितना अच्छा रंग आ गया। इसको हम 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। लो। अच्छा, अब मैं समझती हूँ कि हमारी नहारी अब तैयार हो गई, क्योंकि 15 मिनट से हमने इसको बंद करके रखा हुआ। तो खोल दूँ मैं? अब तुम ध्यान से खोलो, आराम से। पहले गैस को बंद करो, फिर पहले आप देख तो लीजिए। देखा कितना अच्छा रंग आया है भाई। वाह, देखा तुमने। अब इसमें हल्की आँच कर दो, क्योंकि अब हम इसमें जो हमने भुना आटा रखा था इसको हम पानी से घोलेंगे, सबको इसमें डाल देंगे। मिला लूं मैं? अब हम इसको, आप चलाइए। ये देखो ये अब पक गया। हाँ, और गोश्त भी खूब गल गया। ठीक और है। अब गाढ़ी भी हो गई, देखो ये काफी। तो अब इसको क्या करेंगे कि एक बॉल जरा निकालो, मैं उसके अंदर, हाँ, इसे पलट लेंगे और खाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा रंग आया। अब हम इसमें जो कटी हुई हमारी अदरक रखी है जी, इसको हम ये इसके ऊपर इसे सजाने के लिए डाल देंगे। ठीक है, ये हमने अदरक थोड़ी सी डाल दी, बारीक बारीक कटी हुई, ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी हरी मिर्च इसको खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूर डाल देनी चाहिए। ओके। और ये है हमारा हरा धनिया, अब हमने इसको ऐसे डाल दिया। ये हमारी तली हुई प्याज इसलिए रख ली कि अच्छा है, बनी हुई तैयार रहेगी। ये डाल दिया। ये भी गार्निशिंग के तौर पर। हाँ, गार्निशिंग तौर पर। और कुछ हमने गरम गरम तेल इसमें डाल दी, क्योंकि हमारा मकसद है कि तेल भी इसमें थोड़ा सा छौंक आ जाए तो उससे खुशबू आ जाती है। ठीक है, तो पहले हल्का सा करना पड़ेगा। हाँ, इसे थोड़ा सा गर्म कर लो, और इसके बाद इसको, ये मेरा ख्याल है हो गया। अब देखो ये हमने इसको ये छौंक दिया। अरे वाह, देखा आपने परफेक्ट है। लेकिन बाजी, मुझे ना, मुझे एक बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है इस वक्त। हाँ। कि आप जब से खाना बना रही हैं तब से आपने एक बार भी नहीं कहा कि जरा मुझे चखा दो, जरा मुझे खाने दो, जरा मुझे आराम करने दो। बेटा बात यह है। हाँ। कि जब इंसान खुद कोई चीज बनाता है तो देखते देखते उसकी नियत भर जाती है। अच्छा। हाँ, आपकी भी नियत भर गई। अब तुम इसकी तरकीब दोहरा लो। ठीक है।
दो छोटे चमचे सौंफ, आधा बड़ा चमचा जीरा, दो इंच सूखी अदरक, एक जायफल, दो छोटे टुकड़े जावित्री, दो छोटे टुकड़े दालचीनी को पीसकर नाहरी पाउडर बना लें। आधा कप तेल गरम करें, उसमें एक कप बारीक कटी प्याज को सुनहरा तल लें। आधा किलो गोश्त को डालकर चलाएं। एक एक बड़ा चमचा पिसा अदरक और लहसुन, 5-6 लौंगे, 5-6 छोटी इलायचियाँ, 2.5 कप कटे हुए टमाटर डालकर चलाएं। 2 या 3 बड़े चमचे दही डालें, 3 बड़े चमचे नहारी मसाला डालें, आधा बड़ा चमचा लाल मिर्चें और हसबे जायका नमक डालें। 2 या 3 कप पानी डालकर प्रेशर कुकर में 15 मिनट पकाएं। पानी में घुला 1 या 2 चमचे भुने आटे का घोल नहारी में मिलाकर 5-6 मिनट पकाएं। डोंगे में निकाल लें। एक बड़ा चमचा बारीक कटी अदरक, आधा बड़ा चमचा हरी मिर्चें, हरा धनिया और तली हुई प्याज ऊपर से डाल दें। 2 बड़े चमचे तेल में 2 बड़े चमचे तली प्याज को गरम करके नहारी को भगा दें। अच्छा बाजी, नहारी तो हो गई, लेकिन अब मीठा भी कुछ होना चाहिए। हाँ भाई, मुझे तो बहुत खा लें, अब थोड़ा सा मीठे की बात हो जाए। क्या पका रहे हैं हम? अब आज हम बना रहे हैं जाफरानी जर्दा। तो आप बताइए बाजी जरा। देखिए, ये है 1/2 किलो गोल्डन सेला चावल जाफरान में उबले हुए पानी के साथ। ये है एक तकरीबन 1 कटोरी घी, और ये इसमें से कुछ 4-6 इलायचियाँ छोटी हम लेंगे, और 4-6 लौंग, और ये हैं काजू, और ये है 1/2 किलो चीनी लगभग, क्योंकि चीनी और चावल एक से होने चाहिए मिकदार में। ये है चिरौंजी सूखी, और ये है गीली भीगी हुई चिरौंजी, ये थोड़े से काजू कटे हुए हैं, और ये हमारे पास थोड़ा सा डालने के लिए खोया है, और ये हरी और लाल ये जो होती है चेरी, क्या कहते हो उसको तुम, चेरी कहते हो जी। और ये दूसरा इसके साथ जो है ये इसका पेठा है, ये इस्तेमाल होगा। और अब इसके बाद आखिर में ये है चांदी के वरक। ठीक है, तो अब शुरू करें? बिल्कुल। अच्छा चलो, आओ मेरे पास आओ, यहाँ किसी को। इसमें हम डालेंगे पहले ये घी, ठीक है? इसमें हम डाला पहले हम इसमें 1/2 कप ये कटोरी घी डालेंगे। इसको जरा सा हम गरम होने देंगे, और तो इसमें थोड़ा गरम होने दीजिए ना। और इसमें हम 5-6 लौंगे डाल देंगे, और फिर इसमें आप डालिए 5-6 छोटी इलायची। अब इसको आप गरम होने दीजिए, चलाइए आप इसे, जरा गरम हो जाए। तो अब ये घी देखो गरम हो गया तुम्हारा। हाँ, थोड़ी गुंजाइश है, बट काफी हद तक हो गया है। अच्छा, अब हम इसमें धीरे धीरे पहले ये थोड़े से इसमें ये उबले हुए अपने चावल डालेंगे थोड़े से, चला इसको। अब फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। बाजी, पूरे चावल नहीं डालेंगे हम? नहीं डालेंगे, क्यों नहीं। अच्छा। थोड़ा थोड़ा परत परत करके डालेंगे ज्यादा। अच्छा। अब हमने ये और चावल डाले। अच्छा, मतलब पहले आपने डाले चावल, फिर आपने शक्कर डाली, फिर चावल डाले। अच्छा, अब फिर शक्कर डालेंगे? तुम्हारा दिल चाहे तो अपने हाथ से डालो शक्कर, लो डालो जितनी मैं कहूँ। हाँ डालो आधी डालो, शाबाश, रख दो यहाँ। बस अब ये इसको थोड़ा सा जरा सा चला लो। अब हम इसमें ये बाकी बचे हुए भी चावल डाल देंगे। ये याद रखो कि ये कभी भी बासमती चावल से ना बनाना, सेला चावल, गोल्डन सेला बाजार में। अच्छा, अब डालूं शक्कर? अब इसमें सब पूरी पलट दो चारों तरफ। पलट दिया। अब हम इसमें ये जो हमने सूखी चिरौंजी रखी है ये मिला देंगे, और अब तुम इसे चलाओ धीरे धीरे। अब मिक्स कर सकती हूँ? हाँ, मिक्स करो। और ये जो है, क्या बताया था मैंने इसका नाम तुम्हें? आपने मुझे बताया था पेठा और चेरी। और रंग बिरंगी देखो, ये हरी है और ये लाल है, ठीक है? ये हमने इसमें मिला दी। अब इसको आप चलाइए खूब अच्छी तरह। इस तरह नहीं चलाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे सारे चावल। बहुत प्यार के साथ, बहुत ही आराम आराम से, धीरे धीरे। अच्छा, तो शक्कर अपने आप ही पिघल जाएगी? आप पिघलेगी, पानी छोड़ेगी। तो हम इसको दम देके जरा सी कम आंच पे रख देंगे। अब देखो जरा इसे खोल के देखते हैं कि क्या शक्ल बनी। ये देखो, ये तैयार हो गया। अभी
देखा तुमने? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है देखो। क्योंकि ये हमारा पतीला खुद बहुत खूबसूरत है जी। तो हम इसी के अंदर गार्निश कर लेते हैं। तो मैं गैस बंद कर दूं कि अभी चलते रहने दूं? गैस तुम बंद कर दो और इसको यहाँ रखो, इसको सजा दें। आधा कप असली घी में 5 या 6 छोटी इलायचियां लाल कर लें। जाफरान के साथ उबले 1 किलो गोल्डन सेला चावल और 1/2 किलो शक्कर के साथ पतीली में तह लगाएं। 2 बड़े चमचे चिरौंजी, 1/2 कप रंगी हुई चेरी और छोटे छोटे रंग बिरंगे पेठे के टुकड़े डालकर हल्के से चलाएं। ढक्कन बंद करें और हल्की आँच पर करीब 1/2 घंटा पकाएं। जब जर्दा तैयार हो जाए तो उस पर केवड़ा छिड़कें और 1 कप खोया डालकर और चांदी के वर्क से सजाकर पेश करें। बाजी आप थक गई होंगी इसलिए आप जाके तख्त पे बैठिए, मैं एक साथ पूरा सामान वहीं से लेकर आती हूँ, खाने मिलजुल के खाएंगे। शुक्र है तुमको, मेरा ख्याल तो आया कि बाजी थक गई होंगी। अच्छा भाई ये बताओ कि अब तक तुमने अपनी किताब में कितनी रेसिपी लिख ली हैं? बाजी मेरे हिसाब से 39 तो हो गई हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई अब तो तुम्हारे खाने पीने के इल्म में काफी इजाफा हो गया। हाँ। बिल्कुल, खाने पीने में तो हुआ ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात बताए क्या बाजी? हाँ। उर्दू में भी बहुत इजाफा हुआ है। माशाल्लाह भाई, मैं तो पहले ही कहती हूँ कि तुमको अब लग कर उर्दू जबान सीख लेनी चाहिए। सही कह रही हैं। ये दुनिया की सबसे निराली और खूबसूरत जबान है। इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू सबसे खूबसूरत जबान है। अच्छा बाजी, मैं ये सोच रही थी कि अगले हफ्ते कौन सी तरकीब सीखे। अरे बेटा बस बस भी करो अब। क्यों? अब जरा मेरी हांडी को थोड़ा सा वक्फा दो, मुझे आराम करने दो। अब वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब उमरा करने जा रही हूँ, तो वहाँ जाके तुम्हारे लिए अल्लाह मियाँ से दुआ करूँगी कि मेरी बच्ची की किताब कामयाब हो जाए और फिर मैं आऊँगी। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बाजी मैं ये चाह रही थी कि चलिए आप उमरा से लौट के आएंगी इंशाल्लाह, तब कौन सी रेसिपी सीखेंगे? अरे भाई मैं तुमको दुनिया की सबसे नायाब और नादिर रेसिपी सिखाऊंगी। अच्छा कौन सी? अच्छा तो चलो सुनो, वो है बटेर के गुर्दों का मुरब्बा। बटेर के गुर्दों का मुरब्बा। कोशिशु मेरी बायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका।